गाइस, बेंगलोर का मैच हो और हमें लड़ाई देखने के ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। दोबारा से बेंगलोर और दिल्ली का मैच था, सेम वही लड़ाई हो गई। क्यों लड़ाई हुई? इसमें थे मोहम्मद सिराज विलन। इसके विलन वो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि गाइस, पहले हम आप देखते थे गली मोहल्ले में, हम जब क्रिकेट खेला करते थे, जिसकी बैट होती थी, अगर वो जीरो पे आउट हो गया, बैट अपना लेकर चला जाता था। बॉलर अगर पिट रहा है तो अपनी बॉल लेकर चला जाता था, मैच खत्म। सेम ऐसे ही कुछ देखने के मिला पांचवें ओवर में, जब फिलिप सॉल्ट जो है खेल रहे थे मोहम्मद सिराज को। पहली तीन गेंदों पे उन्होंने दो छक्के और एक चौका लगाया। इससे जो है मोहम्मद सिराज अपना आपा खो बैठे और उन्होंने देखते ही देखते जो है फिलिप सॉल्ट को उंगली दिखा दी। इसी बीच एम्पायर और वार्नर जो है दोनों उसे शांत कराने के लिए आए। हालांकि ये मैच दिल्ली ने बहुत आसानी से जीता। फिलिप सॉल्ट जो है बहुत बढ़िया बैटिंग करी और उन्होंने दिखाया कि वो बहुत रन बना सकते हैं। अगर दिल्ली ऐसे ही खेलती रहेगी तो डेफिनेटली वो टॉप फोर में अभी भी उनके कुछ चांस हैं आने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जो टॉप फोर में टीम है, सिर्फ गुजरात को छोड़ के अभी और कोई जो है टीम टॉप फोर में नहीं पहुंची है। लेकिन दिल्ली जिस हिसाब से अभी खेल रही है, ऐसा लगता है डेफिनेटली टॉप फोर में पहुंच सकती है। हालांकि यहाँ पे कोई भी बॉलर नहीं चल पा रहा था। सिराज की बात करूँ, हर मैच में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, विकेट लेकर जा रहे थे और उनके टॉप बॉलर कहे जाते हैं आरसीबी के। इस मैच में जो दिल्ली का मैच था, उन्होंने दो ओवर में 28 रन खाए हैं, उसके बाद उन्हें बॉलिंग का चांस नहीं दिया। हालांकि मैच खत्म होते जो है सिराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना जो है तुरंत जो है वार्नर से जाकर जो है सॉरी बोला और फिलिप सॉल्ट के गले मिले। ये देखकर सबका दिल जीत लिया, लेकिन दोबारा ऐसी गलती ना हो ये हमें देखना पड़ेगा। और फेयर प्ले की अवार्ड की बात करूं तो ये टीम अभी सबसे नीचे है। रीज़न यही है क्योंकि इनकी कुछ भी प्लेयर की बात ले लो, सब अपना आपा खो दे रहे हैं। कोहली की बात करें तो वो भी अपना आपा खो देते हैं कभी भी, सिराज की बात करो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो फेयर प्ले में तो डेफिनेटली इस साल वो सबसे डाउन ही रहेंगे जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, और आगे देखते हैं क्या होगा।